तकदीर बदलती है। चलो अगर हम एक्सेप्ट भी कर ले कि सब कुछ तकदीर करता है, तो इकबाल कहते हैं तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। किस चीज़ के असर से? दवागा ने कभी तकदीर बदली? कम ही दवागा ने। आगाना जी गुल गुल मदीन खैरात खोड़ ले खेलों को आगा दवाच उसे हर शिले तुम्हारी दुनिया दीन आप में जर्रा बराबर हराम तुम्हारे पेट में ना हो, पांच वक्त नमाजी हो, तुम्हारी जिंदगी सुन्नत पे गुजर रही हो, तुम्हारे अंदर बैलेंस मौजूद हो, जस्टिस मौजूद हो, अल्लाह से डरते हो, लोगों की हेल्प करते हो, हेल्पिंग हैंड हो, खूबसूरत इंसान किरदार हो, अल्लाह तुमसे राजी हो, फिर कहो या अल्लाह तुम जो कहो तकदीर तुम्हारा वो लिखवा देता है। इसी के तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। लेकिन वो दुआएं नहीं जो प्रदी खैरात ये खोड़ लिया दवा दे कड़ी। तो मेरे बच्चे जब आप का ये वाला स्ट्रक्चर बहुत अच्छा गुजरा हो और दालक वक्ती तौर पर आ गया खैर है, वक्ती तौर पर दो साल या तीन साल तक खैर है, लेकिन अगर छः साल और सात साल हो गया फिर खतरनाक। तुम अब जो करते हो वही तुम्हारे साथ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहती है कि तुम्हारे करीब अच्छाई और बुराई तुम्हारे दिमाग के अंदर उसी गन से आती है जो तुमने भरा हुआ होता है। बस तुम्हारे करीब अच्छाई और बुराई उसी चीज़ से आती है जो आपने भरा हुआ होता है। बुराई अभरी है, बुराई आएगी, अच्छाई अभरी है, अच्छाई आएगी। यानी कि जब तुम अच्छा सोचते हो अच्छा तुम्हारे साथ होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें किताबें लिखी गई है। और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वजह और नतीजा, चीदा नतीजा रहा नतीजा चिकम दादा सब वजह रहा नशाद और रीजन दे दक जल अलकान तमा ददे यो एक्सपेक्ट को चिताजु कम एक्शन हम कोई रीजन ही गोरे सरे का मंजिल ही कोई कि नहीं मैं कोई ददी नो रेस्पेक्ट समझता ददी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच सर का मुंगू गुरु ददी एक्सपेक्ट बदलेगी। लगा फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वही चीज, जो भी एक्शन होता है इसके पीछे एक रीजन होता है। तो ये जो एक्शन है अगर इस एक्शन को ठीक करना है तो आपने रीजन को ठीक करना है। एक्शन पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रीजन को ठीक कर रहा है। ये अलग एस्पेक्ट है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की। इसलिए मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी। देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये पूरी लॉ सिर्फ इस दो लफ्जों में नहीं है कि तुम जो करते हो उसके पीछे एक रीजन होता है और रीजन अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। ये तो इसका एक एक एस्पेक्ट हो गया ना। मैंने तो इसको आपकी जरूरत के मुताबिक बनाया ना, तुम्हारी एज, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी सलीहियत के मुताबिक मैंने बनाया। लेकिन लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये भी कहती है कि जो कुछ भी होता है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अब अगर बुरा हुआ है तो इस बुरे को समझने के लिए इसका कॉज देखना है कि रीजन क्या है। रीजन ठीक करो इफेक्ट ठीक हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? आपके बच्चे की आदत बुरे हैं लेट सपोज, तो आदत को ठीक नहीं किया जा सकता, वो आदत के पीछे जो रीजन है रीजन को बदलो। नहीं समझे मेरी बात? अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ माइंडसेट के लोग नहीं है, तरक्की नहीं हो रही पाकिस्तान में, तरक्की तो ये एक्शन है जो गलत हो रहा है ना। तो ये तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं? इसका जो एक्शन है गलत आ रहा है ना। और आप कहें कि अच्छा तरक्की नहीं हो रही, ठीक है कितनी यूनिवर्सिटीज है पख्तूनख्वा में? जी 50। अच्छा 200 यूनिवर्सिटीज और बनाओ। क्या बनाओ? तो इसे सोल्यूशन आ जाएगा। आप तो इफेक्ट को ठीक कर रहे हैं ना, रीजन देखो कि 50 यूनिवर्सिटी के होने के बावजूद जो इम्पैक्ट है गलत क्यों है। तालीमी निज़ाम चेंज करो, एजुकेशन यूनिट्स मत बढ़ाओ मुल्क के अंदर। जी हेल्थ केयर का निज़ाम ठीक नहीं है। अच्छा निज़ाम ठीक नहीं है, कितने अस्पताल है? जी 15। अच्छा 1500 और बनाओ। तो आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन गलत तरीके से दे रहे हो। अच्छा मुल्क में हेल्थ केयर नहीं है, ठीक नहीं है? नहीं है जी, अस्पताल है। जी हाँ अच्छा अस्पताल एक्शंस कर रहे हैं लेकिन लोगों को हेल्थ नहीं मिल रहा, ऐसा है। यानी कि एक रीज़न एक चीज़ एक वजह बन रही है। तो अस्पताल के अंदर आकर क्वालिटी सर्विसेज देने पे फोकस करो ना कि तुम और चीज़ों पर फोकस करो। नहीं समझे मेरी बात? आप कहते हैं आपका बच्चे जीनियस बने, क्या बने? जीनियस बने। और आप इसको दूध पिलाई जा रहे हो, पिलाई जा रहे हो, पिलाई जा रहे हो, खुश्क मेवा खिलाई जा रही हो, खिलाई जा रही हो, खिलाई जा रही हो, फरवा हो रहा है, हो रहा है। क्या चाहती हो तुम? जीनियस बने, ऐसे तो नहीं होगा। इसके साथ इनका ग्रुप ऑफ पीपल कंपनी भी बदलनी ज़रूरी है। आपका बच्चा जीनियस नहीं है, आपका बच्चा जीनियस नहीं है तो इसके पीछे एक रीज़न है।
आपका बच्चा जीनियस है, इसके पीछे भी एक रीजन है, तक काबिल है, इसके पीछे रीजन है, तक काबिल नहीं ददी नशात हो नकोजे तारा पास तुम सुर्खी पाउडर दलो कम द कार्टन जोड़ा दर तवा चुम सम दी मेन कम दा सिर्फ मैं कम है ना नो तस्ता काबिलियत ने शम जोड़ा बोले दाते च काबिल है ददी नशात रीजन फिर दा व गोरम तो च काबिल नहीं ददी नशात ब रीजन गोरम कॉज एंड इफेक्ट की ला हमें ये भी बता रही है इसमें बहुत सारे अप्रोचेज है।